आज कृष्ण पक्ष की कृष्णाष्टमी है। कृष्ण भगवान का जन्म कब हुआ? अष्टमी के दिन। उस दिन इतनी ज़्यादा जोरों की बरसात थी, जमुना नदी दोनों तरफ से ऐसी दूथड़ी भर गई थी, काले काले बादल आसमान में छाए हुए थे, और ऐसे समय में रात्रि में कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। और जन्म हुआ तो सर पे तलवार कितनी बड़ी मामा की, कि जो भी देवकी को बच्चा होगा उसको मैं सवेरे मारने वाला हूँ, क्योंकि किसी ने भविष्य कहा था कि देवकी का बच्चा ही तेरी मृत्यु का कारण बनने वाला, एक ही भांजा जिंदा नहीं रखूँगा तो कैसे मेरी मौत होगी, ऐसा उनका विश्वास था। और इसके लिए बेटे का जन्म हुआ और देवकी ने कहा आप तो जाइए, कहा वृंदावन मथुरा में जाइए, उन वृंदावन में जाइए और मेरे बेटे को सुरक्षित कर दीजिए। अब ये बेचारे वसुदेव निकले, टोपली में बच्चे को लेकर के निकले तो नदी ऐसी दूथड़ी भरी हुई, कैसे पार करे, पानी को कैसे पार करे, यहाँ तक पानी पर। कहते हैं कृष्ण भगवान का अंगूठा उस पानी को लगा और जमुना ने रास्ता दे दिया और उस पार वे चले गए और जा कर के यशोदा के गोदी में हमारे कृष्ण भगवान को रख दिया और कहा कि तुम्हें इसको संभालना है, तुम्हें इसको बड़ा करना है, हम तो इसको जिंदा भी रख सकते है नहीं। मतलब जन्म के समय ही कितनी भयंकर परिस्थिति थी, एक छोटा बच्चा घर में जन्मे तो उसकी कितनी व्यवस्था की जाती है, और यहाँ तो वो व्यवस्था का तो नाम ही नहीं, ठंडे पानी में जन्मे, उसी रात को प्रवास करना पड़ा, दूसरी माँ की गोद में जाके रहना पड़ा। कहते हैं जो महापुरुष होने वाले होते हैं, जिनको बड़ा होना होता है, उनके लिए कहा गया है किस्ती को भंवर में घिरने दे, मोजों के थपेड़े सहने दे, जिंदों में अगर जीना है तुझे तूफान की हलचल मचने दे। ऐसे श्री भगवान जब जन्मे थे तब इतना भयंकर वातावरण उस समय का था। हम कहते हैं अब जमाना खराब आ गया, उस समय कोई अच्छा जमाना था क्या? कृष्ण जन्मे उस समय पहले मामा ही राक्षस जैसा था। मामा कौन था? कंस ही राक्षस जैसा था और भांजे की जान लेने के लिए तैयार बैठा था। कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सुजाम्यहम्। मैं क्या करूँगा, जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर महादुखदानी, तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा। क्या कहा, जब जब ऐसे भयंकर परिस्थिति का निर्माण होता है उस समय महापुरुष आकर के जन्म लेते हैं, और जन्म लेने के बाद लाइफ इज चैलेंज मीट इट, ये चैलेंज है, इसको हम सॉल्व करके बताएंगे। क्या करेगा कृष्ण, क्या करेगा कंस, क्या करेगा कंस, क्या करेगा जरासंध, हम सब पर विजय मिला के दिखाएंगे। ऐसे मानो कृष्ण जन्म ने लोगों को संदेश दे दिया था। ऐसे समय में भगवान ने सबसे पहली बात, उस समय क्या था, आसमान में जो बादल घिर के आते थे उस समय लोगों को लगता था कि इंद्र भगवान बरसात गिरा रहे हैं, इंद्र भगवान अगर हम नहीं पूजेंगे, उनकी पूजा नहीं करेंगे तो हमारी समृद्धि कैसे बढ़ेगी, इसके लिए इंद्र की पूजा का उस समय रिवाज था, इंद्र की पूजा करना, जैसे ही बादल गरजने लग जाए, बरसात होने लग जाए, कि इंद्र की पूजा करने की परंपरा थी। उस समय भगवान कृष्ण ने आवाज़ उठाई, नहीं, इंद्र के ऊपर विश्वास रखने वाली अंधश्रद्धा को बाजू में रखो और गोवर्धन अभियान चलाओ। गोवर्धन, अपन क्या कहते हैं, गोवर्धन पर्वत कृष्ण ने उठाया,
गोवर्धन पर्वत उठा, यानी क्या, गाय बढ़ाओ अभियान, गोवर्धन गाय बढ़ाओ अभियान। हम कैलेंडर में देख लेते हैं कि कृष्ण ने एक हाथ पे पर्वत उठाया है और लोगों ने उसको अपनी काठियां लगाई है, तो वो तो चित्र है, पर प्रैक्टिकल में भगवान ने गोवर्धन, गाय बढ़ाओ, गाय बचाओ, गाय बढ़ाओ, गाय बचाओ, ये अभियान चलाया और चारों तरफ लोगों को, ग्वालों को कह दिया कि सिर्फ गाय संभालो, गाय बचाओ और गाय की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करो, दूध दही की नदियाँ मेरे सारे देश में बहनी चाहिए, मेरे वृंदावन में बहनी चाहिए। इस तरह से उन्होंने गाय का अभियान चलाया था। इसलिए तो कहते हैं राम राज में राबड़ी, कृष्ण राज में घी। राम राज में राबड़ी और कृष्ण राज में घी। आज राज में गर्म पानी फूक फूक कर पी। राम और कृष्ण के राज में दही दूध की नदियाँ हमारे देश में बहती थी और इतना दूध था, इतना दही था कि दवा तो किसी को लेनी ही नहीं पड़ती। जो गाय का दूध पिए, गाय का मक्खन खाए, उसको कैसी दवा लेनी पड़े। गाय ही चलता फिरता हॉस्पिटल है, पर गाय के दूध में, गाय के दही में, गाय की छाछ में, गाय के मक्खन में इतनी दवा की शक्ति है कि गाय की पीठ में जो सूर्य केतु नाड़ी होती है वो सूर्य की किरणों को अपने इसमें सोख लेती है और वो सूर्य नाड़ी का अर्क सारा दही दूध गोबर गोमूत्र आदि सभी में दवाओं का काम करता है। पहले हमारी बहनें हाथ से गोबर लिपती थी तो कभी फ्रैक्चर होते थे क्या इतने? अभी तो बाथरूम में गिरे कि फ्रैक्चर, चौके में गिरे कि फ्रैक्चर, स्कूटर से गिरे कि हड्डियाँ ऐसी लकड़े जैसी हो गई है, क्योंकि पैरों के नीचे फर्श आ गए हैं। फर्श के कारण से हमारी हड्डियाँ स्टीफ हो गई है। और पहले गोबर लिपे घर होते थे, गोबर के ऊपर बैठने की हमको संधि मिलती थी और हमारी बहनें हाथों से पूरा घर लिपती थी तो उनकी हड्डियाँ कैसी थी, बाम्बू जैसी लवचिक थी। ऊपर से गिर जाती थी तो भी हड्डी नहीं टूटती थी, चोर आकर के मार के जाते थे तो भी हड्डी का टुकड़ा नहीं पड़ता था। अभी गाय ने गोबर किया तो लोगों को लगा, रे बाप रे काय घान डाली, काय घान डाली। इस तरह से अरे गाय का गोबर, उसके अंदर लक्ष्मी का वास है, एक विष्ठा ऐसी है जिसको हाथ मानव लगाता है, बाकी किसी की विष्ठा को अब मानव हाथ नहीं लगाता और बाकी कोई सहन नहीं कर सकता। फक्त गाय का गोबर ऐसा है जो हाथ से भरा जा सकता है। भगवान महावीर के श्रावक थे, एक गोकुल 10,000 का होता था। ऐसे भगवान महावीर के श्रावकों के पास, किसी के पास 4 गोकुल, किसी के पास 5 गोकुल, किसी के पास 6 गोकुल, इस तरह से मतलब कितनी गाय हो गई, 40,000, 50,000, 60,000, इतनी गायें श्रावकों के पास रहती थी। पर भगवान ने कभी नहीं कहा कि गायों का परिग्रह इसमें प्रमाण करो, गायों का परिग्रह कम करो, ऐसे भगवान ने कभी नहीं कहा। मतलब भगवान भी चाहते थे कि गाय का बचना कितना आवश्यक है। एक गाय बचती है तो आसमान में ओजोन पैदा होता है, आसमान में ओजोन पैदा होता है, एक ऐसा पर्दा तैयार हो जाता है कि जी सूरज की किरणें डायरेक्ट धरती पे नहीं आती, छन छन के आती है, जिसमें गर्मी का भी बैलेंस रहता है, छाव का भी बैलेंस रहता है और इतनी कड़क धूप भी नहीं आदमी को सहन करनी पड़ती। ओजोन गाय तैयार कर, गांव गांव में सैकड़ों गाय, घर घर से गौवे निकलती थी और ग्वाले क्या करते थे, गाँव के बाहर ले जाते थे। गाँव के बाहर इतनी गोचर भूमि होती थी, गाय प्रेम से चरती थी और शाम को जब गांव के अंदर आती थी तो हंबराती थी, गाय हंबराती थी और हम्मा ऐसे जोर से आवाज़ निकलता था। उनके मुंह से जो श्वास निकलती थी वो श्वास ऊपर जाकर के लेयर तैयार करती थी। गाय के श्वास में वो ओजोन है जिसके कारण से वो सूरज के किरणों पर कंट्रोल करती है। गाय के श्वास में वो ताकत है कि जो
टीबी का मरीज अगर गाय के गोठे में 3 महीने तक रख दिया जाए, कोई दवा करने की जरूरत नहीं, बिना दवा के हर गाय के श्वास से टीबी के जंतु खत्म करने की ताकत है, और ऐसे रोज के खत्म होते 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 3 महीने में टीबी का मरीज एकदम अच्छा हो सकता है, अगर 3 महीने उसको गाय के गोठे में रखा जाए तो। ऐसे गाय यानी चलता फिरता हॉस्पिटल है। गाय भी कैसी चाहिए? ऊपर जिसको कंधा है, ऊपर ऐसा गोल जिसके गर्दन के पास है, वही देसी गाय होती है। जो फ्लैट है, जो सपाट है, वो गाय देसी नहीं होती, वो विदेशी गाय है, और उसमें उसको जर्सी और होस्टन कहते हैं, और उसमें किसका क्रॉस होता है? सुअर का क्रॉस। वो ज़्यादा दूध दे, इसके लिए आर्टिफिशियल उसका दूध बढ़ाया जाता है, और ऐसा दूध पीने से बीमारियाँ बढ़ती है, ऐसा भी दूध पीने से मोटापा बढ़ता है। कृष्ण ने अभियान चलाया था, कोई हम पर अन्याय करेगा, अत्याचार करेगा, हमारे वृंदावन के सीधे साधे गरीब लोग, वे सवेरे जल्दी उठ करके दूध निकालते हैं, दही जमाते हैं, मक्खन निकालते हैं, और डायरेक्ट वो सप्लाई कहाँ होता है? मथुरा में। वो नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। वो जानबूझ के क्या करते थे? मटकियाँ फोड़ते थे। मटकियाँ फोड़े, वो दूध हमारी मिट्टी में मिला तो चलेगा, हमारे मिट्टी का पोत बढ़ेगा, हमारे मिट्टी का खाद बढ़ेगा, हमारी मिट्टी की ज़मीन में और ज़्यादा उपज पैदा होगी। तो वे मटकियाँ फोड़ते थे, और वे भोले भाले जो ग्वाले थे उनको कहते थे चलो अपन मक्खन चुराएंगे, और क्या करते थे? ग्वालों के घर जा करके मक्खन चुरा करके अपने गरीब लोगों के पेट में वो मक्खन डालते थे, और मथुरा जो श्रीमंत लोग थे, अन्यायी अत्याचारी अहंकारी लोग थे, वहाँ तक हम जाने नहीं देंगे, हमारा माल वहाँ पे जाने नहीं देंगे। ये कृष्ण का अभियान था, और जानबूझ करके ये काम उन्होंने किया था। गाय बढ़ाओ अभियान चालू किया, और उसके बाद दूध बचाओ, मक्खन बचाओ, अपने लोगों के पेट में जाने दो, ये दूसरा अभियान भगवान ने चलाया। वैसे तो कृष्ण का व्यक्तित्व कैसा व्यक्तित्व? हंसती हुई मानवता का चित्र यानी कृष्ण। कृष्ण कैसे थे? नाचना भी आता था, बांसुरी भी बजाते थे, गीत भी गाते थे, नृत्य भी करते थे, चोरी भी करते थे, मटकियां भी फोड़ते थे, और ग्वालियरों को अपने बांसुरी की आवाज़ से बुला करके गरबा भी खेलते थे। सारी उनके अंदर कला थी, और सारी कलाओं का उन्होंने क्या किया था? अपने जीवन में निर्माण किया था, और सबसे वो कलाएं करवाई थी। ऐसे हमारे कृष्ण भगवान थे, जिनका स्थाई भाव मधुर था, उनका बोलना इतना मधुर था, उनका हंसना इतना मधुर था, उनका जीना इतना मधुर था। गोपिकाएं तरसती थी कि कृष्ण मक्खन खाए और हम देखें, कृष्ण पानी पिए और हम देखें, कृष्ण सोए और हम देखें, ऐसे कृष्ण को देखने के लिए। क्योंकि कृष्ण जो होता है, आकर्षण अगर चाहता है तो आ कृष्ण की तरफ, कृष्ण यानी आकर्षण, आकर्षण अगर चाहता है तो आ कृष्ण की तरफ, और आराम अगर चाहता है तो आ राम की तरफ, आराम अगर चाहता है तो आ राम की तरफ, और आकर्षण अगर चाहता है तो आ कृष्ण की तरफ। तो कृष्ण में इतना बड़ा आकर्षण था, कारण सारी बातें उनकी मधुर थी। तो इसके लिए मधुराष्टक नाम का वैष्णव ग्रंथों के अंदर एक काव्य मिलता है। सुनिए, अधरम मधुरम वचनम मधुरम नयनम मधुरम हृदयम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते मधुरम भुक्तम मधुरम सूक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम सूक्तम मधुरम चरितम मधुरम गीतम मधुरम चरितम मधुरम गीतम मधुरम करणम मधुरम हरणम मधुरम मधुराधिप
भजे रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम शीतम मधुरम शमितम ऐसे मधुरता के आगार थे हमारे कृष्ण भगवान। ऐसे कृष्ण की लीला उन्होंने अपनी जिंदगी में की। ऐसा बड़ा अभियान चलाया, हजारों लाखों गौओं को तैयार किया। और कहते हैं वो कौन सा पर्वत, गोवर्धन, गाय बढ़ाने वाला इतना बड़ा काम किया, पर्वत जैसा काम हो गया। पर्वत उठाना जितना कठिन है, इतनी ज़्यादा गाय उन्होंने बढ़ा दी। और अपने जिंदगी में ये नींव डाल दी थी। ऐसी नींव को हम एक तरफ तो कृष्ण की पूजा करें, एक तरफ कृष्ण के चित्र निकाले, कृष्ण की मूर्ति निकाले, और ठाकुर जी को खाना खिलाना है, ठाकुर जी को अभिषेक कराना है, ठाकुर जी को दूध चढ़ाना है, और दूसरी तरफ ठाकुर जी ने जो बात बताई है वो गाय कट रही है, उसके लिए अपने घर के लिए चाहे जितना खर्चा होगा। पर आज कृष्णाष्टमी है और गाय बचाने के लिए मुझे अपनी तरफ से गोरक्षा में दान देना ही है, ऐसा संकल्प आज आपको करना बहुत ज़रूरी है। जो भी गाय पालता है उसकी ताकत बढ़नी चाहिए। उसके घर में गाय आए तो घास की और चारे की कमी नहीं पड़नी चाहिए। आप देंगे तभी तो घास आएगा और गाय बचेगी। भगवानों, गाय को बचाना बहुत ज़रूरी है। और गाय की ताकत हमारे देश में बढ़ाई गई थी। गाय ऐसी ताकत वाली गाय थी, समय आने पर सलाह देती थी, समय आने पर संकट से बचाती थी। संकट आने वाला है ऐसा पता चला कि हमरा के क्या करती थी, वो घर माथे पे ले लेती थी और मालिक को पता चलता था कि गाय हमरा रही है, कोई बात जरूर है। और तीसरे दिन तो उनके यहाँ दरोड़ा आता था। पहले गाय को आभास हो जाता था, गाय में इतनी ताकत थी, उसकी छठी इंद्रिय इतनी पावरफुल थी कि वो मालिक को संकट से भी बचाती थी।